हेल्दी स्नैक्स के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर, पर ये देखिए वाइजैग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बॉइल्ड मूंगफली का एक सैलड मिल रहा है, ये देखिए बहुत प्रोटीन है इसमें और टेस्टी है। प्रोटीन के नाम पे कुछ भी नहीं खिला रहे हैं, ये जेन्युइनली टेस्टी है। प्याज टमाटर वगैरह काट के डाल दिया भैया ने इसमें और थोड़ा सा सीजनिंग करना है। नींबू वींबू डाल डुल के और ये बन गया हमारा प्रोटीन सैलेड बिल्कुल तैयार। रॉ फॉर्म में लगभग लगभग बस मूंगफली उबाल रखी है। वेरी यम्मी, थैंक यू भैया। वाइजैग चाट का शहर है तो, पर मैंने सोचा कि रात को तो प्रॉपर खाना ही खाना पड़ेगा, तो हमने आलू की सब्जी, जीरा राइस, दाल, रायता और सलाद मंगा लिया। अब देखिए ऐसे मिर्च आपको दिखाई दे रही होगी, पर यकीन मानिए इस खाने में इतनी ज़्यादा हरी मिर्च है, इतनी ज़्यादा हरी मिर्च है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं एक नॉर्थ इंडियन पर्सन हूँ, अच्छा खासा स्पाइसी फूड खाती हूँ, बट सच में ये फूड है स्पाइसी। ये भैया बना रहे हैं यहाँ पे गरम गरम चाउमीन। जल्दी 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 ये देखो, यहाँ पे गोलगप्पे मिल रहे हैं वाइजैग में समुद्र के किनारे। गोलगप्पे दे दो भैया, गोलगप्पे दे दो जल्दी। 20 रुपए के कितने आएंगे भैया? 20 हाउ मच? 100। ये इसके अंदर गर्मा गर्म कुछ डाल रहे हैं, ये गोलगप्पे नहीं है, भगवान जाने क्या है ये। ये इसमें ऊपर से प्याज डाल दिए, ये गोलगप्पे के नाम पे क्या मिल रहा है? और बीच में चटनी लिख के दे रहे हैं, सॉरी डाल के दे रहे हैं। क्या है बस अभी ये? नाम क्या है इसका? नाम के वक्त चाहिए चाय, और हमें मिली है यहाँ पे अली की जादू। समुद्र के किनारे पे यह हैदराबादी ईरानी चाय, देखते हैं बना कैसे रही है, कैसे बना रहे हैं चाय। अरे ये तो बनी गई। तो हम यहाँ पे एक ऐसे डोसा वेंडर के पास हैं जो बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इनके पास 70 ऑर्डर्स पेंडिंग है। वाइजैग का फेमस डोसा है ये, देखते हैं कितने जल्दी जल्दी बना रहे हैं। इतने जल्दी तो बना रहे हैं, पता नहीं इतनी देर क्यों लगेगी इनको, देखते हैं। ये नूडल वाले डोसे बन रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे डोसे है? ये कौन सा डोसा है भैया? पास्ता है, मैगी चाहिए। ओके सामने भी डोसे बन रहे हैं, ऑर्डर आ गया। टेस्ट जान के डोसे भाई, अलग अलग टाइप के। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, सब देश हमें कुछ नहीं मिल रहा है। वही तो बता रही हूँ, ये देखो मुझे सब पसंद आ रहा है। चीज भयंकर भयंकर बिल्कुल। क्या पता ये नहीं मन, साथ साथ में वो है जा रही है। गजब। और ये देखो मीन भाई, ये मैगी वाला डोसा बन रहा है, ये चाउमीन वाला डोसा बन रहा है, ये पास्ता वाला डोसा बन रहा है। साउथ इंडिया में ये छोटे छोटे केले बहुत फेमस है। देखिए ये मेरा मोबाइल है,
इस मोबाइल से भी आधा केला है ये, इसके साइज पे मत जाना, ये बहुत मीठा केला है। ये देखिए थोड़ा सा मोटा है, मोटा पर मीठा केला, खा सकते हैं। ये ना अंदर से कच्चा निकल के आया, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। इंडिपेंडेंस डे व्यूअर्स, और इंडिपेंडेंस डे और एक चीज़ जो साथ जुड़ी हुई है वो है बूंदी और बूंदी के लड्डू। हैप्पी इंडिपेंडेंस मॉन्स्टे। कॉफी के बीन्स, ये देखो अभी हरे हैं, कुछ दिन में पक जाएंगे। और ये बन रहा है बैम्बू चिकन। इन बैम्बू के अंदर चिकन को बंद करके ये बना रहे हैं चिकन। किसी को जल्दी है तो ये खा लो। मैडम जा रहे हैं। बताइए मैम मसालों के बारे में बताइए। मसाला का 20 रुपया है। नहीं नहीं 20 रुपया नहीं, कौन कौन से मसाले हैं? बिरयानी का मसाला, गरम मसाला, अच्छा, काफी का पाउडर, ठीक है। और ये क्या है लंबा सा? ये लंबा वाला पूरी बिरयानी का, अच्छा। और ये तो सिंपल है ना, ठीक है। कितने की बिक्री हो जाती है यहाँ पे बताइए ना। 20 रुपया। ये यहाँ के लोकल फूड है, मिर्पा वजी करके बोल रहे हैं इसे। ये स्वीट इन टेस्ट है, और ये आंटी और ये भैया इनको बेच रहे हैं आई लव माई इंडिया बोल के। वो सिंपल ब्रेड पकौड़े हैं, उसमें ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में राजस्थानी जोधपुरी स्पेशल जलेबी और समोसा मिल रहा है। भैया आपको राजस्थानी आती है? आप राजस्थान से हो? पर यहाँ पर तेलुगु बोल रहे थे। ये जलेबी और ये समोसा जेन्युइन है, किसी को ट्राई करना हो तो अराकू में। ये हम पफ राइस सैलेड बनवा रहे हैं यहाँ पे। बताइए भैया क्या डाल रहे हो? जल्दी से मटर डाल दिया आपने, बूंदी डाली है, और हमारी फेवरेट पीनट्स, कोरिएंडर, मैंगो। थोड़ी सी सीजनिंग कर रहे हैं, और ये अपना नींबू मिला दिया है, और इसमें डालेंगे पफ राइस। फिर से मिक्सिंग, और ये खाने को तैयार। ये स्मोकी बिस्किट यहाँ पे वाइजैग में मिल रहे हैं, नई चीज़ है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। ये डार्क फैंटसी वाले बिस्किट्स ले लिए हैं इन्होंने, और इनको तोड़ लिया है। यहाँ पे मैम ये लिक्विड नाइट्रोजन आपके पास? ओके। और ये नाइट्रोजन अंदर और बाहर, भगवान जाने इन्होंने क्या कर दिया, हवा हवा पानी पानी कुछ तो। एक बार फिर से ओए होए, पता नहीं क्या चीज़ बन रही है भाई। एंड दिस इज स्मोकी बिस्किट, देख लो भाई क्या चीज़ है ये। यहाँ पे पहले से कुछ पाउडर रखे हुए थे, अब उन्होंने केले का पत्ता रख दिया है। ये आ गया सांभर और रसम। ये बीच में एक अजीब सा पिकल रख दिया इन्होंने, दोस का ही चिंदकाया, इमली का चाह रही है सब्जी। ये भिंडी की सब्जी है, और ये आ गया कड़ी। पहले से रसम और सांभर हमारे पास थे, दोनों टाइप के अचार, पाउडर, इमली की चटनी और पापड़ हमने यहाँ पे रख लिए। और ये देखे गए हैं हमें गरम गरम घी। चलो खाना शुरू करते हैं, मुझे तो टेस्ट अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली टेस्टी है। ये द्राक्षा है सबसे ऊपर जो रखे हुए हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेब, और इन्होंने बहुत अजीब तरीके से बाबू गोशा टांग रखा है। ये देखो अनार भी है। कटल की सब्जी सबने खाई होगी, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है कटल फ्रूट। ये आंटी बेच रहे हैं शीशमा चलम के बाहर, और साथ में अमरूद भी बेच रहे हैं। हेल्दी ऑप्शन के लिए अच्छा है, मैंने कभी खाया नहीं है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। आंटी बिल्कुल फ्रेश निकाल के दे रहे हैं इसके अंदर से।
पता नहीं कैसा टेस्ट है, आई कांट डिफाइन इट, मुझे ठीक ठाक लग रहा है। शीशमा चलम के बाहर ये समोसे मिल रहे हैं 20 के 4, साथ में मिर्च है और साथ में मालपुआ टाइप कोई चीज बेच रहे हैं आंटी। खा के बताती हूँ कैसा है। बहुत भूख लगी हो तो खा लो वरना खाने लायक नहीं है।